पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में अब आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद गया है। आपको बता दें कि अलकायदा ने चिट्ठी जारी कर भारत को धमकी दी है। चिट्ठी में दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में आत्मघाती हमले की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी में 6 जून 2022 की तारीख है। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। वहीं अलकायदा ने लेटर में कहा है, कुछ दिन पहले हिंदुत्व के प्रचारक के दौरान इस्लाम धर्म का अपमान किया था। उनके बयानों से दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अलकायदा ने आगे कहा है कि हम पैगंबर के अपमान का बदला ज़रूर लेंगे। हम अपने और अपने बच्चों के शरीर में विस्फोटक बांधेंगे ताकि ऐसे लोगों को उड़ाया जा सके। दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में भगवादारियों का जो अंत करेंगे, वह ना अपने घर में छुप पाएंगे और ना ही सेना उन्हें बचा पाएगी। गौरतलब है कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। पिछले दिनों शर्मा ने बयान जारी कर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मामले की तूल पकड़ने के बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि वे बिना शर्त अपने बयान को वापस लेती हैं। इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे से पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने विरोध जताया और इसके कुछ देर बाद अरब देशों में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। इसके साथ ही ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने भी बयान का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।